एक आए थे परिकर पूरा सनातन का, जो सनातन के ठेकेदार थे एक आए थे, तो उनसे कहा था प्रभु मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं है। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, हमारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। आश्रय और विश्वास ये दो बहुत बड़ी वस्तु है, ये किसी बिरले में जागृत होती है। अपने इष्ट का आश्रय, अपने इष्ट पर विश्वास, ये बहुत दृढ़ बात है। हम जैसे है श्यामा श्याम के हैं, हमको कुछ करना नहीं इसलिए जानना नहीं, उनको करना है वो हमको जनाते रहेंगे, वही हमसे करवाते रहेंगे। अगर हमारा मित्र है और हमारी बात का आदर करता है तो हम उसी से केवल कहेंगे, किसी और से नहीं। इसकी चूक है एकांत में उसी से केवल कहेंगे, उसकी चूक किसी और से कह देना निंदा हो जाएगी। वही सबको आकर्षण करने वाले कृष्ण है, वही सब में व्यापक विष्णु है, वही नारायण है, वही हरि है, कोई दूसरा नहीं। भजन होने लगेगा तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम पाप कर्म करो, हृदय चलने लगेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मस्त रहो जगत में, अपनी चिंता का जिसने त्याग कर दिया वही चित्त चोर को प्राप्त होता है। नहीं, पूरा जगत अपनी चिंता में परेशान है, अपनी चिंता में सब परेशान, ध्यान रखना। और भगत अपनी चिंता का त्याग चाह में। आप में उनमें यही अंतर है कि वो आपकी निंदा करेंगे और आप उनकी विषय में ना कुछ बड़ाई और ना कुछ निंदा, शांत गंभीर रहेंगे तो आपकी उन्नति होती जाएगी। ना निंदा करें और ने भक्ति होना बहुत कठिन है, तो आप लोग भगवान के मार्ग में अध्यात्म में चल रहे हो, बड़ी कृपा है। नहीं तो इतना गिरता चला जा रहा है हमारा समाज, खान पान आचरण सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। भगवान भगवत प्राप्ति भजन ये तो बहुत दूरी की बातें, मनुष्यता नहीं रह गई। नहीं अब देखो मन, एक समय ऐसा आएगा केवल आपको अकेले उड़ना होगा, शरीर भी साथ नहीं आप जाना हो, जब हमें पता है सब छूटेगा तो उसके बीच की बात हम क्या जाने। अब हम ऐसे को पकड़ेंगे जो छूटेगा नहीं, वो नाम है, वो श्री भगवान है, वो प्रभु का आश्रय है, परम मंगल हो जाएगा हमारी प्रार्थना मान लो।